इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ सुपरस्टार अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्म सिंघम अगेन ने दो दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने भी जो कमाई की है वो पूरी तरह से धमाकेदार है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे भूल भुलैया 3 के दो दिनों के कलेक्शन, वहीं सिंघम अगेन के भी दो दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करने वाले हैं पैन इंडिया फिल्म अमरन के 3 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट लगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म अमरन के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं शिवा कार्तिकेयन और उनके साथ नजर आ रही है साई पल्लवी। अब दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म रिलीज हुई थी 31 अक्टूबर को, रिलीज होते ही इस फिल्म को जो व्यूज मिले वो पूरी तरह से धमाकेदार रहे, जिसके कारण फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शिवा कार्तिकेयन के करियर का हाईएस्ट नंबर रहा। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी फिल्म होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन और भी अच्छा कलेक्शन देखने को मिला, और तीसरे दिन तो फिर से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत कर दी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बताना चाहेंगे कि यहां पर अमरन एक तमिल फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा यानी कि टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया है, जिसमें से दोस्तों इस फिल्म की तमिल वर्सन ने सबसे ज्यादा कमाई की, वही दूसरे नंबर पर है तेलुगु वर्सन। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को ना तो हिंदी में प्रमोट किया है, ना तो इस फिल्म को हिंदी में ज्यादा स्क्रीन्स मिली, क्योंकि ऑलरेडी बॉलीवुड की इस हफ्ते बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई है, जिसके चलते दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी मार्केट से तो कोई खास कमाई नहीं की। पर बात करें इस फिल्म के सभी भाषाओं के 3 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 21 करोड़ 40 लाख रुपए का किया सभी भाषाओं से। वही दोस्तों, फिल्म का सेकंड डे भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया होल्ड बना रहा, और फिल्म ने दूसरे दिन लगभग 19 करोड़ 72 लाख रुपए की कमाई 5 भाषाओं से की। अब बात करें दोस्तों इस फिल्म की आज यानी कि तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों यहां पर तीसरे दिन फिल्म की जो तमिलनाडु की बुकिंग है वो तो पूरी तरह से जबरदस्त है, साथ ही साथ तेलुगु स्टेट्स में भी फिल्म को काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जगह के मार्केट है वहां पर तीसरे दिन इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक अमरन फिल्म अपने तीसरे दिन लगभग 16 करोड़ 50 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 57 करोड़ 62 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 68 करोड़ 56 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में 22 करोड़ 47 लाख रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों, अमरन फिल्म का शुरुआती 3 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 91 करोड़ 3 लाख रुपए का। तो दोस्तों, फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में तो काफी शानदार कमाई की है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये शिवा कार्तिकेयन के करियर की पहली 200 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बनेगी। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होना ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। दोस्तों, अब अगर बात करें हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनीस बज्मी ने, और इस फिल्म में हमें कार्तिक आर्यन के साथ में विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी देखने को मिल रहे हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों, 150 करोड़ के बजट में बनी भूल भुलैया 3 को दुनिया भर में 4,500 स्क्रीन पर रिलीज किया था, लेकिन फिल्म के पास जो शोज है वो सिंघम अगेन के मुकाबले थोड़े कम थे। लेकिन दोस्तों, कम शोज होने के बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जो ओपनिंग ली है वो कार्तिक आर्यन के करियर की अब तक की हाईएस्ट है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्म ने सिर्फ पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और दूसरे दिन फिल्म पूरी तरह से डूब गई। नहीं मेरे भाई, फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिले, और इस फिल्म की कॉमेडी, इस फिल्म का हॉरर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, जिसके चलते ही एक बड़े हॉलीडे पर रिलीज होने के बाद सेकंड एक छोटा हॉलीडे है, फिर भी फिल्म के कलेक्शन पूरी तरह से जबरदस्त निकल कर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जितना फिल्म का बजट है ना, उससे कहीं ज्यादा की कमाई तो ये फिल्म शुरुआती 4-5 दिनों
में ही कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें भूल भुलैया 3 के 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन 38 करोड़ 21 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया। वही दोस्तों सेकंड डे फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो पहले दिन के मुकाबले लगभग 22-23% ड्रॉप हो चुकी है। मॉर्निंग वाले शोज की ऑक्यूपेंसी तो कम है, साथ ही साथ आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी कल के मुकाबले थोड़ी और ज्यादा डाउन हो गई। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक भूल भुलैया 3 अपने दूसरे दिन लगभग 27 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 का शुरुआती 2 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 65 करोड़ 71 लाख रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 78 करोड़ 13 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने विदेशों में भी पूरी तरह से धमाकेदार कमाई की और फिल्म का जो अब तक का ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन है वो 15 करोड़ 96 लाख रुपए का हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 का जो 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है वो हो रहा है 94 करोड़ 9 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने 2 दिनों में दुनिया भर में 94 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली। और अब कल है संडे, तो इतना कंफर्म है कि कल इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक बार फिर से बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपरहिट बनने को तैयार है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम अगेन, जिस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार, सुपरस्टार अजय देवगन, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, जेके श्रॉफ देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों फिल्म की स्टार कास्ट इतनी बड़ी है जिसके चलते रोहित शेट्टी पे एक बड़ा प्रेशर था कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को वो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर रोहित शेट्टी ने एक इतनी जबरदस्त फिल्म बनाई जिसमें हर एक कैरेक्टर को बराबर टाइम दिया और हर किसी की एंट्री को पब्लिक ने खूब एंजॉय किया। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का एक्शन पूरी तरह से धमाकेदार है, वही फिल्म की स्टोरी भी लोगों को पसंद आई, जिसके चलते ही दोस्तों सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन पूरी तरह से धमाकेदार शुरुआत ली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सिंघम अगेन अजय देवगन के करियर की हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है। वही अच्छे रिव्यूज मिलने की वजह से फिल्म के सेकंड डे के कलेक्शन में भी एक बढ़िया होल्ड देखने को मिला है, जिससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब सिंघम अगेन को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, अगले 2 हफ्ते तक बॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज नहीं होगी, तो यहां पर सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर आने वाले 2 हफ्तों में लगातार धमाकेदार कमाई करती जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। बट इस वक्त अगर बात करें सिंघम अगेन के 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों लगभग 350 करोड़ के बजट में बनी सिंघम अगेन, जिस फिल्म को दुनिया भर के अंदर 5,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाकेदार ओपनिंग ली और फिल्म का जो फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन है वो 47 करोड़ 80 लाख रुपए का रहा। अब बात करें सेकंड डे की, तो दोस्तों आपको बता दें कि जब ये फिल्म पहले दिन रिलीज हुई उस दिन इंडिया का सबसे बड़ा हॉलीडे था, लेकिन दूसरे दिन बहुत कम जगह पर हॉलीडे है जिसके चलते फिल्म की ऑक्यूपेंसी में एक अच्छा खासा असर भी देखने को मिला और फिल्म की जो सेकंड डे की ऑक्यूपेंसी है वो मॉर्निंग शोज में ही कल के मुकाबले थोड़ी ड्रॉप हो चुकी है। साथ ही साथ आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी कल के मुकाबले थोड़ी कमजोर है। तो दोस्तों जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक यहां पर सिंघम अगेन अपने दूसरे दिन लगभग 35 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का शुरुआती 2 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 83 करोड़ 30 लाख रुपए का, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 99 करोड़ 12 लाख रुपए। बताना चाहेंगे दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 21 करोड़ 46 लाख रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का शुरुआती 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है 120 करोड़ 58 लाख रुपए का। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम अगेन सिर्फ 2 दिनों में दुनिया भर में 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। दोस्तों कल है संडे और पूरी उम्मीद की जा सकती है कि कल बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन के कलेक्शन और भूल भुलैया 3 के कलेक्शन में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जितनी भी फिल्में चल रही है वो सभी जबरदस्त कमाई कर रही है, लेकिन देखना है कि फाइनल बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन सबसे ज्यादा आता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, बॉलीवुड के इस हफ्ते रिलीज हुई भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन में कौन सी फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आप
आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।